नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त मनीष जाट और आप देख रहे हैं एग्रीटेक मास्टर यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही कमाल का होने वाला है। जैसा कि किसान भाइयों आप सभी को पता है कि महावीर एग्रो जो कि जयपुर चौमू के अंदर स्थित है, जो कि मशीनें नहीं एक ब्रांड है, तो इन सब मशीनों की आपकी कंप्लीट जानकारी मिलेगी। किसान भाइयों आपको बता दूँ, गीला सूखा गन्ना से लेकर आप लकड़ी तक काटो, जितनी भी मोटी लकड़ी काटनी, अगर कैपेसिटी की बात की जाए किसान भाइयों तो एक घंटे के अंदर आप 6 टन तक लकड़ी काटने वाली भी मशीनें मिल जाएगी। तो किसान भाइयों इनकी क्वालिटी से आपको पता लगेगा इनका वज़न। किसान भाइयों आपको पता होगा कि इन मशीनों का वज़न लगभग, इस मशीन का वज़न 1918 से 1900 केजी, तो आप मान लो कि इनकी क्वालिटी कितनी और कितनी शानदार होने वाली है। और ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ही कमाल का होने वाला है। लेकिन इस मशीन के अंदर व्हील ही 300 केजी का है, तो आप सोचो ना किसान भाई वो मशीनें कितनी कमाल की होने वाली है। और जैसा कि किसान भाई आप देख पा रहे हैं, हम आपको लाइव डेमो के माध्यम से भी बताएंगे कि इनका रिजल्ट किस प्रकार है। जैसा कि किसान भाई आप लकड़ी देखें, हम जो ये सफेद की लकड़ी लेकर आए हैं, इनकी मोटाई देखिए किसान भाई, मेरे दोनों हाथों में नहीं यार, इनकी मोटाई देखो किसान भाइयों, इनकी अच्छी सी कटिंग होगी, आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। तो किसान भाइयों चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस मशीन के वीडियो को आप इतना प्यार दीजिए कि सभी किसान भाइयों को पता चल सके कि एक बहुत ही शानदार मशीन आपके लिए लेकर आए हैं। तो किसान भाइयों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एग्रीटेक मास्टर को लाल बटन दबाकर फ्री में सब्सक्राइब करें, जिससे कि सबसे पहले हमारे वीडियो लेटेस्ट आप तक पहुंच सके। किसान भाई जैसा कि मैंने इस मशीन का वज़न बताया 1800-1900 किलो, तो कितनी कमाल की मशीन है। और इसके अगर हम सबसे पहले जो आपको सबसे बेस्ट फीचर्स मिलने वाला है, जो आपको पूरे भारत में कहीं नहीं मिलेगा, इसकी पुल्ली की बात की जाए किसान भाइयों, इसको पुल्ली को आप सही से देखिए, आप सोचिए कि इसके अंदर नया क्या है। तो मैं आपको बता दूँ, जैसे कि आप ये बोल्ट देख पा रहे हैं, इसका प्रॉफिट आपको क्या होने वाला है, आपको अगर ट्रैक्टर छोटा है बड़ा है तो आरपीएम सेट करने के लिए। किसान जैसे ही इस मशीन के आगे की तरफ हम बढ़ते हैं तो इस मशीन का व्हील, इस मशीन का बैलेंसिंग व्हील की वजन की बात की जाए तो इस मशीन का जो बैलेंस व्हील है वो 170 केजी। किसान भाइयों सोचिए कितनी हैवी है, ये चेचिस इसकी जो ये जो देख रहे हो आप मोटा है 8 इंच, और इसकी चौड़ाई की बात करें तो 3 इंच इसका चौड़ा चेचिस है। और जैसे कि आप देख पा रहे हो, आप बहुत सारे किसान भाई कमेंट करते हैं कि हमें ट्रैक्टर के ट्रॉली के अंदर नहीं, बड़ा हेवी वाला जो ट्रक आता है ऊपर ही ऊपर, उसको भी लोड करना है। तो इसकी हाइट कितनी होगी किसान भाई, अगर मैं की बात की जाऊँ तो मेरी 5.11 इंची हाइट, और मैं इस मशीन को देखे कितना है, मैं तो छोटा रह गया। और इसकी हाइट की पूरी बात की जाए तो इस मशीन की हाइट 14 फुट है, जो कि बहुत ही कमाल की है। किसान भाई आपको बता दूँ कि मशीन का मुख्य काम जो उसको चलाने का रहता है, जिसका दिल और धड़कन रहता है, वो रहता है इसका मेन व्हील। लेकिन इसका व्हील ही 300 केजी का है, तो इसकी अब पूरी व्हील दिखाते हैं आपको किसान भाई। क्यों, जैसे कि आप व्हील देख पा रहे हैं, व्हील कितना शानदार है, और जैसे कि आपको ये बीच के अंदर कट देख पा रहे हैं, इससे आपके ट्रैक्टर के अंदर एक वो सही सिस्टम बना रहेगा, लोड नहीं पड़ेगा और अच्छी सी कटाई होगी, और जो कटाई होगी वो एक अच्छे परफेक्ट साइज में आएगी, उसके ज़्यादा बारीक नहीं होगा। उस प्रकार से इस व्हील को डिजाइन किया है, जो कि बहुत ही शानदार है। और मुख्य काम रहता है इसको काटने का ब्लेडों का। अगर इनकी ब्लेडें की बात की जाए तो शायद ही किसान भाई आपने इतनी मोटी ब्लेडें देखी होगी, 12 mm इन ब्लेडों की मोटाई और 18 इंच चौड़ी है, जो कि एक मशीन को बहुत ही लाजवाब और शानदार बनाता है। और इसके जबाड़ी की बात की जाएगी, जो मुख्य सिरा है ये 14.5 इंची, जो कि एक बहुत ही कमाल का और शानदार। और इस किसान भाइयों इस मशीन में आपको क्या अच्छा लगा, आप इनकी इसकी फिनिशिंग देखिए किसान भाइयों, कितनी अच्छी इसकी शानदार फिनिशिंग है, कितनी लाजवाब है। और इसमें नई नई टेक्नोलॉजी के फीचर्स डाले गए हैं, जो कि बखूबी किसान भाइयों आपको पसंद आने वाले हैं। और अगर इसकी बात की जाए तो किसान भाइयों ये जो आप ये देख पा रहे हैं, ये रोलर है आगे, इसकी चौड़ाई 15 इंची है। किसान भाइयों जैसे हम मशीन की इस तरह बातें, आपको यहाँ पर टूल बॉक्स मिलेगा, जिसके अंदर आप अपने पाना, ग्रीस कैन की जो भी आपके ज़रूरी मशीन के साथ जो भी ग्राइंडर धार लगाने के लिए बड़े, वो बहुत ही शानदार ये आपको एक फीचर्स मिल रहा है। और किसान भाइयों अब इसके पीछे की तरफ आते हैं, तो अब आता है मुख्य काम मशीन का। किसान भाइयों इसकी चौड़ाई देखो आप, तो कितना भी बड़े आपके पास बबूल हो, झाड़ियाँ हो, कितनी भी, वो आसानी के साथ जाएगी। सबसे बेस्ट रहता है मशीन में इसके सेफ्टी फीचर्स, इसका सेफ्टी फीचर्स देखिए किसान भाई कितना ज़ोरदार है। और इसकी क्वालिटी देखूँ, ये जो आप ये देख रहे हो, ये जो सपटरा जिसको हम बोलते हैं कि रबड़, ये जेसीबी के टायर से बना हुआ है, तो आप सोचो कि इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी होगी। और इसकी लेंथ की बात की जाए तो कितनी अच्छी शानदार लेंथ है, आराम से यहाँ पर लकड़ी डालो, आपको जान मान की कोई भी हानि नहीं होगी। और सबसे बेस्ट आता है इसके रोलर, इसके रोलर देखिए कितने हैवी है।
जिससे कि आप जब भी आप अपनी लकड़ी काटोगे अंदर दोगे तो लकड़ी पर ये रोलर स्लिप नहीं होंगे। ये इनकी डिजाइनिंग ही कुछ इस प्रकार से की गई है महावीर एग्रोनी की बहुत ही शानदार लग रही है। और जैसे कि इसकी चौड़ाई की बात की जाए अगले सिरे वाले की, तो इसकी चौड़ाई 18 इंची है जो कि बहुत ही शानदार है। और अगर पीछे वाले की रोलरों की साइज की बात की जाए तो उनकी 15 इंची चौड़ी है। और किसान भाइयों, सबसे महत्वपूर्ण काम जो कि मेरे को इस मशीन में बहुत ही शानदार लगा, इसमें देखिए आप 4 स्प्रिंग दी गई। स्प्रिंग का सबसे मुख्य कारण आपको बताता हूँ, जब भी आप दाब लगाते हो जितना अधिक लकड़ी पर दाब लगेगा उतनी अच्छी जाएगी और उतनी अच्छी कटाई होगी। और उसके जैसे हम आगे की तरफ आते हैं, आप ये गियर बॉक्स देख पा रहे हो कितना हैवी गियर बॉक्स है। और जैसा कि मैंने महावीर एग्रो के ओनर से बात किया तो उन्होंने बताया कि ये जो गियर बॉक्स आप देख रहे हो ये बहुत ही हैवी क्वालिटी के अंदर है और 1 साल की गारंटी दे रहे हैं। अगर बाई मिस्टेक कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो नया पुराना दो नया लो, जो कि बहुत ही शानदार आपको गारंटी मिल रही है 1 साल की, कोई भी आपको प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। और इस डंडे की बात की जाए गियर लगाने के लिए तो ये कितना शानदार है किसान भाई, आप वहाँ पर लकड़ी दोगे बबूल दोगे तो झाड़ियाँ आएगी तो वहाँ खड़े नहीं रह सकते, तो आप आसानी के साथ इसको यहाँ से आगे पीछे कर सकते हो जो कि बहुत ही शानदार है। तो किसान भाइयों, जैसा कि आपका सबसे अधिक कमेंट किया जाने वाला एक ही क्वेश्चन है कि हमें सब्सिडी चाहिए, तो किसान भाइयों आपको बता दूं कि इस मशीन पे सब्सिडी है। और मैं भी किसान भाइयों यही बोलता हूँ, उसी मशीन पे ट्रस्ट करो जो मशीन ISO, तो आप देख पा रहे हैं तो ये मशीन ISO भी है और आपको एक बेहतरीन और शानदार क्वालिटी के अंदर मशीन मिल रही है। किसान भाइयों, अब बात की जाए कि ये कितने HP ट्रैक्टर से चलेगी, तो किसान भाई आपको बता दूंगी आपके पास कोई सा भी किसी भी कंपनी का कोई सा भी प्रकार का कौन सा भी ट्रैक्टर हो, लेकिन वो मिनिमम 50 HP का ट्रैक्टर होना चाहिए तभी ये मशीन चलेगी। 35 HP मशीन ट्रैक्टर पे ये मशीन बिल्कुल भी नहीं चलेगी। किसान भाई कितनी शानदार मशीन है। और हम जैसे अगले वाले मॉडल की तरफ चलते, ये गीला और सूखा आपका दोनों चारों काटेगा। अगर इसके सूखे की कैपेसिटी की बात की जाए तो यही सेम कैपेसिटी रहेगी, 5 से 6 टन, 5000 से 6000 किलो तक आराम से ये मशीन आपका चारा काटेगी। और किसान भाइयों, इसके भी वही नए नए फीचर्स है जैसे कि मैंने बताया आपको पुली के बारे में। पहले पुरानी पुलियाँ आती थी उसके अंदर ये प्रॉब्लम होती थी कि बेल्टों को चेंज करो पुलियों को चेंज करो, इसके अंदर ये 4-5 बोल्ट दे रखे हैं, उसको आप अपने आसानी के साथ खोलो आसानी के साथ। इसके बैलेंस व्हील की बात की जाए तो ये 85 से 90 किलो का बैलेंस व्हील आएगा। और इसके मेन व्हील की बात की जाए तो वो 100 kg से ऊपर आएगा। और ये मशीन के वज़न की बात की जाए तो 900 से 1000 kg तक इस मशीन का वज़न रहेगा, जो कि एक बहुत ही शानदार है। और जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं ये सेफ्टी फीचर्स है किसान भाइयों, जो कि बहुत ही शानदार है। और इसकी लेंथ भी बहुत अच्छी रखी है जिससे कि आपको पुली उली देने के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये सेम वो स्प्रिंग आपको दाब वाली मिल जाती है और ये सेम वही नई टेक्नोलॉजी वाला रोलर मिलता है आपको। 3 स्पीड के अंदर आपको गियर आएगा और ये रिवर्सल पोर्टेबल गियर आएगा, जिससे कि अगर आपके अधिक चारा जाने के कारण इसको वापस रिवर्स करना चाहते हो तो बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो। 1st, 2nd, 3rd जिसे भी किसान भाई आपकी इच्छा अनुसार उस प्रकार से आप इसमें चारा काट सकते हो। और इस मशीन के ट्रैक्टर की बात की जाए तो 30 से 35 HP का आपके पास मिनिमम ट्रैक्टर होना चाहिए। किसान भाइयों, इन मशीनों की मेरे को क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। अब सवाल आता है कि आपको मशीनें किस प्रकार खरीदनी है, मशीनें आपको कहां पर मिलेगी, तो अब हम सीधा चलते हैं महावीर एग्रो के ओनर जी के पास, वो आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। तो सर, अगर कोई किसान भाई इसे पसंद करता है, वो घर बैठे मंगवाना चाहता है, तो उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी ये जानकारी दीजिए। नमस्कार किसान भाइयों, अगर आपको इस मशीन की रिक्वायरमेंट होती है तो आप मेरे को डायरेक्ट कॉल करके इस मशीन की आगे से आगे जानकारी भी ले सकते हैं। और मशीन को बुक करने के लिए हमारे ऑल इंडिया के अंदर नेटवर्क काफ़ी बड़ा फैला हुआ है और उन डीलर का आप नंबर ले सकते हैं और वहां से आप मशीन प्रोवाइड मतलब आप प्राप्त कर सकते हैं। और मशीन प्राप्त करने के लिए अगर हमारा डीलर वहां पे नहीं है तो आप डायरेक्ट यहां से कंपनी से आप मशीन का एडवांस अमाउंट डालकर और आप अपने वहाँ तक मंगवा सकते हैं। हमारा जो एडवांस अमाउंट है वो लगभग 10,000 के लगभग हम मान के चलते हैं अभी के टाइम पे। और मशीन का जो टाइम है कि हमारे पास ऑलमोस्ट मशीन हमेशा रेडी में रहती है और मशीन पहुंचने 1-2 दिन डिस्पैचिंग टाइम होता है और 6-7 दिन के अंदर डिलीवरी टाइम जो ट्रांसपोर्ट का टाइम होता है उसको मिला के 6-7 दिन के अंदर आप अपनी मशीन घर तक ले सकते हैं। किसान भाई, आपको इन मशीनों में सबसे ज़्यादा पसंद क्या है और आपकी डिमांड किस प्रकार है, आपको कौन सा मॉडल चाहिए वो भी कमेंट करें। और ये वीडियो आपको किस प्रकार लगा वो भी कमेंट करें और अपने सभी किसान भाइयों के साथ ये वीडियो शेयर करें, जिनसे कि उन्हें पता चल सके कि महावीर एग्रो जो कि किसान भाइयों के लिए बहुत ही शानदार क्वालिटी की मशीनें लेकर आया है। तो किसान भाइयों, हमारा मकसद है सिर्फ किसानों के लिए, किसानों के साथ। हमारा उद्देश्य है किसानों को एक
बढ़िया और अच्छी शानदार मशीन कम कीमत के अंदर बहुत ही उपयोगी मशीन दिलाना, यही हमारा मकसद है। और आप किसान भाइयों, आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपके अपने प्यारे से चैनल एग्रीटेक मास्टर को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक जय जवान जय किसान।